अंधेर रात कैसी छाई लखन तुम सोनो मेरे भाई। नमस्कार दोस्तों, पायलक प्रणाम, जय देव भूमि उत्तराखंड। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में, उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में। अभी बज गया है शाम का 6:30 और मेरा आज का ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है। तो आज का ब्लॉग जो है मेरा काफ़ी लेट में स्टार्ट हो रहा है भाई, शाम की 6:30 से। तो उस समय से थोड़ा बिजी था, तो इस चक्कर से जो है ब्लॉग भी मैं स्टार्ट नहीं कर पाया। तो अभी टाइम मिला, मैंने कहा चलो आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मैंने शाम की चाय पी और छत के ऊपर आ रखा हूँ, और छत के ऊपर जो है ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहा हूँ। आज मैंने अभी डुग्गू को भी नहीं लेके घुमाने को, तो चलो अब थोड़ी देर में जो है डुग्गू को भी लेके जाते घुमाने, क्योंकि सुबह से थोड़ा बिजी था। फिर दिन में थोड़ा आराम किया, अभी उठा, चाय पानी पिया, सीधे छत के ऊपर आया ब्लॉग स्टार्ट करने को। तो चलो भाई, कभी कभार जो है लेट भी हो जाती है। तो चलो अब पहले डुग्गू को घुमा के लाते हैं, फिर गाँव में चलते थोड़ा घूमने को। तो आज जो है प्लान बन रहा हमारा पुजार गांव जाने का। वैसे तो कल जाना था लेकिन कल कैंसिल हुआ, और आज जो है जाना हो रहा है। तो अगर जाऊंगा तो ज़रूर जो है आपको रामलीला के ब्लॉग भी देखने को मिलेंगे। चलो सबसे पहले मैं डुग्गू को घुमाने लेके जाता हूँ, बाद में फिर अंधेरा हो जाएगा। वो भी जो है रो रहा है नीचे, बाहर पे आ रखा है, मेरा इंतज़ार कर रहा है कि कब चलेगा ये। चलो उसको भी घुमा के लाते हैं पहले। से चल के अभी मैं आ गया हूँ रोड पे, तो डुग्गू को जो है थोड़ा आगे तक घुमा के लाते हैं भाई, वॉशरूम करा के आते हैं इससे। उसके बाद में फिर इसको घर छोड़ते हैं और मैं आता हूँ गांव में। ये देखो ये आ रहा डुग्गू। घूमते घूमते अभी मैं आ गया हूँ अपने प्राइमरी स्कूल के जस्ट नीचे पे। तो इधर ऊपर है भाई हमारा जो प्राइमरी स्कूल है, बाकी ये जो है यहाँ पे भाई जी का घर है। तो ये घर भी जो है एकदम फिट फॉर हो गया है, और डुग्गू जो है ये घूम रहा है इधर, ये देखिए रोड पे जा रहा अभी और आगे। तो आज जो है यहीं तक लाया मैंने उसको घुमाने को। तो चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं घर के लिए, और यहाँ से जो है लोकेशन एक नंबर की है। चलो दिखाते हैं एक बार आपको भी। कितनी सुंदर रात्रि, अंधेरी रात कैसी छाई, अंधेरी रात कैसी छाई लखन तुम सोनो मेरे भाई। अंधेरी रात कैसी छाई की तैयारी करते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं, जो आज्ञा हो भ्राता जी। Oh,
वीर से तुम्हारी क्या राय है? हे महाराज, तू मेरे शत्रु की बढ़ाई करता है, मैं अपने भाई की बढ़ाई मोड़ दिए पर पहले से सख्त मैं तेरी चाल समझ सकता हूं। तेरी ढाई शेर की खिचड़ी मैं जान सकता हूं। यूं भी चीजें ऐसी एक बार आया था कि महाराज उसने तुम्हें मैं मौका दिया है।